अस्सलामु अलैकुम। ब्रांड ऑनलाइन स्टोर की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदी। आज हम आप लोगों को आपके एक्वेरियम के जो फिल्टर है उसको अपग्रेड करने का तरीका बताएंगे और वो करके भी आपको दिखाएंगे ताकि आपका जो है फिल्टर जो है एक लेवल अप हो जाए और आपके एक्वेरियम के फिल्ट्रेशन को और मज़ीद बेहतरी मिले। तो उसके लिए सिंपल हमें करना ये है कि हमारे पास जैसे पावर फिल्टर है जो आप लोग यूज़ करते हैं आमतौर से अपने एक्वेरियम में, तो उसमें जो है उसके कार्टेज को खोल लेना है। उसके कार्टेज में जो है नॉर्मली फॉर्म लगा होता है, तो जो है वो आप देख सकते हैं वो सिर्फ बायोलॉजिकल फिल्टर का काम कर रहा होता है। तो जो है उसको आज हम अपग्रेड करके इसको जो है एक एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें सिंपल करना ही होगा कि आपके पास ज़रूरी नहीं है दो वाले कार्टेज वाला हो, आपके पास सिंगल वाला भी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं। बस ये कि अगर सिंगल वाला है तो आप उसके फॉर्म को कट करके हाफ़ कर लें और हाफ पे जो है आपको कुछ फिल्टर मीडिया यूज़ करने पड़ेंगे। आप वो फिल्टर मीडिया यूज़ करेंगे तो फिर जो है वो आमतौर से जो टॉप फिल्टर वगैरह में इस तरह से यूज़ करते हैं फिल्टर मीडिया, तो उसकी जगह आप इसमें यूज़ करके आप अपने एक्वेरियम के फिल्ट्रेशन को जो है नेटिफाइंग बैक्टीरिया को उनकी कॉलोनी बनाने में जो है ये हेल्पफुल होते हैं आपको पता है, तो जो है वो आप लगा सकते हैं और इसको लगा के आप अपनी फिल्ट्रेशन को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम करेंगे ये कि इस फिल्टर के इस फॉर्म को हम निकाल लेते हैं और जो है इसको वापस से असेंबल कर लेते हैं। ये हमारा एक कंटेनर रेडी हो गया। अब इसमें हम पहले थोड़ा सी ये सेरेमिक रिंग डाल दें, सेरेमिक रिंग ये बायो रिंग डाल देते हैं। तो हमने इसमें इस तरह से बायो रिंग डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं एक्टिवेटेड कार्बन। क्वांटिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जितना डालेंगे जितना पानी इससे सर्कुलेट होके जाएगा जितना ज़्यादा ये एक्टिवेटेड कार्बन जो है जो केमिकली को पार्टिकल वगैरह पानी में होते हैं तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ में जो है बायरिंग जो है वो आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाने में मदद देता है। अच्छा, ये करने के बाद उसके बाद अब हम इसमें एक फॉर्म का एक पीस लगा देते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि एक तो ये जब खोले तो ये गिरे नहीं है, दूसरा ये कि जो है अगर कभी फिल्टर या ऊपर का सेक्शन यानी कि आप लोगों के पास अगर सिग्नल वाला है तो ऊपर जो है फॉर्म लाजमी लगाना है वरना सारा पावर हेड में जाएगा, पावर हेड को ख़राब कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल ये फॉर्म ले लेते हैं, इस फॉर्म को हम कट करके अंदर फिट कर देंगे। और मज़ीद बेहतर तरीके से हम कट करके यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिज के अकॉर्डिंग। ये हो गया इसमें फिर इसके हम इसमें रिंग फिट कर देते हैं। इसको हम ये हो गया आपका एडवांस लेवल की फिल्ट्रेशन का कार्टेज रेडी। अब आप इसे अपने पावर फिल्टर में लगा के इसके बाद आप अपने कोरम में इसको लगाएं, इसको लगा के यूज़ करें, इंशाल्लाह फिर जो है कोरम की परफॉर्मेंस आपके जो है फिल्टर की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और कोरम के फिल्ट्रेशन जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की ये DIY आप लोगों को जो है फिल्टर के अपग्रेड करने की वीडियो पसंद आई होगी और साथ में आप लोगों को जो है इसके जो मटेरियल हमने यूज़ किया है जैसे ये फॉर्म हो गया और हमारा एक्टिवेटेड कार्बन हो गया और ये पावर हेड फिल्टर हो गया, इन सब चीज़ों की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप लोग ये ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो ब्रांड ऑनलाइन स्टोर की जो है दराज वाले पेज से जाके वहाँ से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें और मज़ीद वीडियो के लिए, और जो है कमेंट्स में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और मज़ीद किसी चीज़ पे वीडियो बनानी तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और मज़ीद वीडियो में। थैंक यू।